हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि भोपाल में लगातार प्रदर्शन आंदोलन जारी है शिक्षक भर्ती के पद वृद्धि को लेकर। वर्ग 3 के 51,000 पदों को लेकर कल जो प्रदर्शन किया गया उसका असर देखने को मिल रहा है। साथ में वर्ग 1 और वर्ग 2 की थर्ड काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ हो इसके लिए भी लगातार संघर्ष जारी है और अब विभाग से लेटर जारी भी होना शुरू हो गए हैं। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं, भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2023 का लेटर है। यहाँ पर आप विषय देखेंगे तो एक रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में बैठक, और एक महत्वपूर्ण बैठक है दोस्तों, जिसमें आप देखेंगे कि विषय तो है रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संबंध बैठक। उपयुक्त विषय अंतर्गत 1,00,000 रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के अध्यक्षता में उनके प्रति कक्ष वल्लभ भवन क्रमांक 2 कक्ष क्रमांक 408 के समय समय पर संलग्न अनुसार बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक में 1,00,000 पदों के संबंध में की गई कार्रवाई एवं कार्रवाई की जानकारी पोर्टल पर दर्ज किए जाने के संबंध में समीक्षा की जाएगी दोस्तों। तो ये एक जो है जानकारी मंगाई जा रही कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं, और ये आदेश अभी जारी किया गया है जब आपके आंदोलन चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, चाहे मैं वर्ग 3 की बात करूँ, वर्ग 2 की, वर्ग 1 की, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जब हम बात करें शिक्षा भर्ती की, तो इसी आदेश में आप देखेंगे पॉइंट नंबर 20 में स्कूल शिक्षा, यहाँ पर जो बैठक है वो 6 जुलाई 2023 4:30 से 5 तक। तो यहाँ पर जो खाली पद हैं उनकी एक तरह से समीक्षा की जा रही है दोस्तों, और इस समीक्षा में पद कितने रिक्त हैं उन आधार पर एक निर्णय लिया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं, आप स्वयं देखें दोस्तों कि आंदोलन और प्रदर्शन लगातार जारी है, उसके बीच में ये बैठक ली जा रही है। तो यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जो आपके पुकार है, जो आपकी आंसू हैं, वो व्रत नहीं जाएंगे। वर्ग 3 की बात करूँ, वर्ग 1 और 2 की बात करूँ, आपकी पद वृद्धि होने की संभावना यहाँ पर बन जाती है, और ये संभावना आपकी वजह से, आपकी जागरूकता की वजह से बनी है दोस्तों। इसका पूरा श्रेय जाता है वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के सभी शिक्षक, सभी कैंडिडेट जो लगातार एक होकर प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और ये मांग सफल होती दिख रही है दोस्तों, क्योंकि आपके सामने वो आदेश है जहाँ पर समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है, और इस समीक्षा में कुछ न कुछ पॉजिटिव जरूर निकल के आएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग एक होकर संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष बहुत बड़ा है, और इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद।